ये गाइस सोनी के लेटेस्ट बेस्ट TWS और आप कह सकते हैं वर्ल्ड के बेस्ट ANC हेडफोन्स। लेट्स ट्राई आउट ये कैसा है। अब नाम इसका सोनी है तो विथ नेम ऑफ कोर्स गाइस एक ब्रांड रेपुटेशन ऑलरेडी आ जाती है कि हाँ ये बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। अगर आपने लास्ट ईयर के M4 नहीं यूज किया है तो उससे कंपैरिजन में काफी मेजर यहाँ पे रिफाइनमेंट हो चुका है। एट द फर्स्ट गाइस ये दिखने में कैसा है, इसका डिज़ाइन कैसा, शेप कैसा है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड के आप देख सकते हैं रखे हुए TWS और ज़्यादा मेरे पास जगह नहीं है तो फिलहाल आपको समझ में गया कि ये लुक वाइज तो ठीक है आपको ऐसे बहुत से मिलेंगे बट बात आती है जब प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ होने की वो यहाँ पे यूज़ आपको सर्टेनली दिखाई पड़ेगा। लाइक ये टिपिकल सोनी वाला स्टाइल है, गोल्ड एक्सेंटेड यहाँ पे सोनी लिखा हुआ है, कम्प्लीटली मैट फिनिश में है। यहाँ पे ऑफ कोर्स छोटी सी चार्जिंग लाइट है, बैक साइड में यहाँ पे एक पेयरिंग बटन है, USB टाइप सी ऑफ कोर्स, लेकिन गुड पार्ट क्या है कि आपको बॉटम में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर मिलता है बिकॉज अब ये प्रो हेडफोन्स है तो प्रो फीचर्स ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए। केस का वेट 39 ग्राम है अराउंड और ये रहे इन साइड्स कैसा दिखता है, कोई यहाँ पे अननेसेसरी यहाँ पे ब्रांडिंग आपको नजर नहीं आएगी जो बहुत सारे TWS में आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर हम सैमसंग का भी ले लें, इंडिविजुअल ईयरबड्स की बात करें तो ये 5.9 ग्राम के हैं, नॉट दी लाइटेस्ट बट इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी ड्यूअल फिनिशिंग है, जैसे कि जहाँ पे जो टच सेंसर है ये मैट फिनिशिंग में है, अदरवाइज यहाँ पे ग्लॉसी डिज़ाइन दिया गया है। फोम यहाँ पे जो ईयर टिप है ये फोम है एक्चुअली, नॉट दी सिलिकॉन। और यहाँ पे देख सकते हैं सोनी गोल्ड एक्सेंट लिखा हुआ है। 3 स्टैंड अलोन माइक हैं एक सिंगल ईयरबड्स में, यानी कि टोटल 6 माइक्स हैं। बॉक्स में एक कमाल की चीज़ क्या है कि ये कम्प्लीटली पेपर पैकेजिंग में है, आपको 3 एडिशनल ईयर टिप्स मिले हैं। बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे लगा हुआ है ये मीडियम साइज का है। देखिए यहाँ पे दो रीजन जिसकी वजह से ANC बहुत ही सुपर है। फर्स्ट जो यहाँ पे ईयर टिप देख रहे हैं ये पॉली यूरेथ्रेन फोम है, यानी कि नॉट द सिलिकॉन जो सभी TWS से मिलता है। अब जैसे आप इसको पहनते हैं ना तो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और ये आप बहुत ज़्यादा नोटिस कर सकते हैं। जैसे अभी AC चल रहा है, फैन चल रहा है, तो वो सारी आवाज़ कम्प्लीटली आइसोलेट हो गए, मैं कुछ प्ले भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद ही थोड़ी सी गूंज फील हो रही कि हाँ लाइक मैं जो बोल रहा हूँ ना और कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो बहुत ही अच्छा करता है। सेकंड क्या है कि यहाँ पे जो ANC है वो कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन के M4s के 20% अप किया गया। बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव ANC टेस्ट करना है तो ऑफकोर्स आपको मेट्रो में, ट्रेन्स में, बस स्टेशन में, सबवेज में या मॉल्स में, वहाँ भी जाना पड़ेगा तो आप टेस्ट कर सकते हैं। जितना मैंने टेस्ट किया, अब ये सुपर परफेक्ट तो कोई गैजेट नहीं बनाया जाता है, लाइक स्टिल जितना हमने टेस्ट किया, जितना आपने दर्जनों वहाँ पर देखे उनसे ये वन ऑफ द बेस्ट है और इवन आप एयरपोर्ट से भी इसको बेटर क्वालिटी का ANC मान सकते हैं। सेकेंड स्टेप का इस कॉल क्वालिटी की बात कर लेते हैं और आई थिंक ये भी अगेन सुपर है, वन ऑफ द बेस्ट मान सकते हैं। अब उसके देखिए रीजन क्या है उसके पीछे। जैसे कि फर्स्ट माइक्रोफोन्स की बात करें, पहले आपको मैंने बताया इंडिविजुअल में आपको 3 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 6 टोटल माइक्रोफोन्स हैं। बाकी टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट वेज मिलते हैं इसके थ्रू यहाँ पे क्वालिटी इन्हेंस की जाती है। फर्स्ट जैसे कि डीप न्यूरल नेटवर्क है, बोन कंडीशन सेंसर है और विंड नॉइज रिडक्शन स्ट्रक्चर है, ये तीनों मिला के बहुत ही सुपर काम करते हैं। अब आपको समरी में बताऊँ कि एक्सपीरियंस कैसे मिलता है, लाइक नेचुरल एक्सपीरियंस मिलता है बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी से एल्गोरिथम यहाँ पे लगाई जा रही हैं वो बेसिकली लाइक वाइब्रेशन अलग से आइसोलेट करती हैं, कुछ इन्वायरमेंट की नॉइज़ अलग करती हैं, तो सब मिला मिला के एकदम नेचुरल साउंड मिलता है। जैसे कि जैसे मैं सामने बात कर रहा हूँ वैसे ही कॉल क्वालिटी आती है, कनेक्शन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं ऑफकोर्स एक रूम में पेयर करके फ़ोन टहलता रहता हूँ घर में तो आवाज़ बहुत ही अच्छी आती है। M5s में जितना भी दिया गया वो आउट द बॉक्स एकदम सुपर परफेक्ट है। 8.4 mm का आपको डायनेमिक ड्राइवर मिलता है और कोडेक वैसे यहाँ पे LC3 कोडेक का सपोर्ट दिया गया है ओवर दी लेगेसी SBS और AAC में, और ये LDAC कोडेक भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने S23 अल्टरमेटर्स की यहाँ पे LDAC दिया गया है, iPhone में नहीं दिया गया तो वो थोड़ी सी क्वालिटी आपको वेरी कर सकती है। अगर आप एंड्रॉयड में सुन रहे हैं तो आई थिंक आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो बेस इसका परफेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही सही है। अदर फैक्टर्स की बात करूँ जैसे कि मिड्स हैं वो इसमें प्रॉपरली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट हैं वो ज़्यादा बेटर रिफाइंड डिटेल्स आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि अगर आप प्रॉपर स्टैंड अलोन ह्यूमन वॉइस, बैकग्राउंड रिचनेस सब कुछ फील करना चाहते हैं ना तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेटेंसी की बात करें गाइस तो यस थोड़ा मुझे इसमें लेटेंसी फील हुआ। अब वो रीज़न ये है कि वो ब्लूटूथ के ऊपर है, बिकॉज ब्लूटूथ कैसा भी होगा ना कि इतना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए थोड़ा बहुत लेटेंसी होता है, लेकिन ये अगेन
फार बेटर है जो भी आप मिड रेंजर्स या सस्ते वाले ऑफ कोर्स उससे यूज़ करेंगे। अगेन वायरलेस की लिमिटेशन है, नॉट दी बड्स। तो गेमिंग करते वक्त ऑडियो थोड़ा सा लैग होता है और वीडियो प्ले करते वक्त जरा सा वहाँ पे आपको लैग फील होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट मिनिमल है। कुछ आपको स्मार्ट फीचर बता देता हूँ जो मुझे इसमें लगे। वैसे गाइस फ्रेंकली बताऊँ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लाइक अगर आप फीचर्स वाइज घुसते रहेंगे ना तो आपको इतने फीचर्स मिलेंगे कि आप खुद ही परेशान जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है क्विक अटेंशन फीचर। वो क्या करता है, लाइक अगर आपने ईयरबड्स लगा रखे हैं, आप गाने सुन रहे हैं, आप किसी से बात करेंगे ना तो अपने आप वो ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो जाता है, दूसरी सेटिंग कर देंगे तो अपने आप तुरंत ही म्यूज़िक पॉज हो जाएगा और जैसे आप साइलेंट होंगे 3 से 4 सेकेंड बाद म्यूज़िक अपने आप प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक कूल पार्ट है जो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे मल्टी पॉइंट पेयरिंग का सपोर्ट दिया गया, यानी कि आप 2 डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, जिसमें भी कॉल आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे गूगल फास्ट पेयर ऑन एंड्रॉयड, स्विफ्ट पेयर है फॉर द विंडोज, यानी कि आप डिफरेंट जगह क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी चला सकते हैं। सोनी का आपको हेडफोन्स ऐप इंस्टॉल करना है और हर जगह आसानी से चल जाता है। प्लस यहाँ पे एक अनदर फीचर क्या है, फाइंड योर इक्वलाइजर ऑप्शन दिया गया। आप कस्टम इक्वलाइजर बना सकते हैं डिफरेंट तरीके से, ट्रेबल, बैस, मिड, जितना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है एक बार कॉन्फिगर करने में, वो आप इजीली कर सकते हैं। अनदर स्मार्ट फीचर गाइस यहाँ पे ये दिया गया है कि यहाँ पे जो आप सेटिंग्स बनाते हैं वो आप क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं और आप जैसे ही नेक्स्ट डिवाइस पे उसको पेयर करेंगे तो ऑलरेडी वहाँ से आप वो सेटिंग्स डाउनलोड कर सकते हैं। जितना भी आपने इक्वलाइजर बनाया है, जो भी आपने ट्यूनिंग कर रखी है ना, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट डिवाइस पे अपने आप आ जाती हैं। तो ये भी एक कूल स्मार्ट फीचर है। प्लस इसके अलावा एक और स्मार्ट फीचर यहाँ पे अडैप्टिव साउंड का दिया गया है। इसमें ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि आप वॉक कर रहे हैं, कि आप बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, अपने आप ही वो एम्बिएंट नॉइज़ को अपने आप एडजस्ट करके चेंज करता रहता है। Let's talk about the battery। कंपनी ने यहाँ पे 8 hours का क्लेम किया है गाइस। एग्जैक्टली टेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज मैंने डिफरेंट तरीके के डिवाइसेस ट्राई किए हैं। बॉक्स में 2 बार फुल चार्ज करने का जूस दिया गया है और जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है मुझे 6 to 7 hours का एवरेज ऑलवेज मिला है। वो इसलिए बिकॉज मैं मिक्स तरीके डिवाइस चलाता हूँ, जैसे कि अगर मैं अल्ट्रा ज़्यादा यूज़ करूँ तो एलडेक कोडेक ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है कंपेयर टू जो नॉर्मल स्टैंडर्ड एसी कोडेक होते हैं। तो 7 hours एवरेज आप आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि लॉट बेटर है विथ ANC ऑन। और मैंने मोस्टली इसको एडाप्टिव साउंड पर रखा, यानी कि नॉइस कैंसिलेशन एडाप्टिव अपने आप वो मिक्स होकर चेंज करता रहता, ट्रांसपेरेंसी वुड। तो बैटरी लाइफ इसकी नॉट दी बेस्ट मान सकते हैं, बट स्टिल इतने ज़्यादा प्रो फीचर्स अगर आप इस तरह यूज़ करना चाहते हैं 6 to 7 hours मैक्स डबल चार्ज, तो ये आपके लिए काफ़ी ओके है। अब कॉन्स की बात करते गाइस, यहाँ पे देखिए कुछ मेजर कॉन्स हैं जो आई डोंट नो कंपनी ने क्यों नहीं फिक्स किया। जैसे कि जो यहाँ पे टच कंट्रोल्स दिए गए हैं वो कम्प्लीटली फिक्स हैं, आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। जैसे कि जो राइट साइड वाला है, यहाँ पे सिंगल टैप पे प्ले पॉज है, सेकेंड टैप पे नेक्स्ट ट्रैक है, ट्रिपल टैप में प्रीवियस ट्रैक आ जाता है और 4 बार टैप करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो इसमें दिया गया है वही फिक्स रखेंगे, तो ये आपको कम्प्लीटली एडजस्ट होना पड़ेगा। अभी कोई डील ब्रेकिंग नहीं, एक बार आपने चला ली तो आप एडजस्ट हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे जो फोम की क्वालिटी ना, वो मुझे लाइक देखो इको फ्रेंडली तो है ये कंपेयर टू सिलिकॉन के, अगर आप इस मामले में चलते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। फोम विद टाइम लाइक 2 weeks 10 days का यूज़ करने में ही अपने आप ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइक अपने आप ये डैमेज होने लगा है। प्लस अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए फोम यूज़ करते हैं ना इसको TWS को, तो थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे ईयर्स पे हल्का सा पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइट, अगर आप 2-3 घंटे लगातार यूज़ करते हैं लाइक अपनी मूवी निपटाई तब ऐसा फील नहीं होता है। सो इन द समरी में गाइस क्या कहें इस TWS के बारे में, लाइक ना भी इनफ है गाइस, ना दी बेस्ट आप मान सकते हैं। अब देखिए प्रो से कंपेयर करें, जो एयरपॉड्स प्रो आते हैं एप्पल्स कहते हैं, देखिए वहाँ पे बिग प्रॉब्लम क्या है कि वो जस्ट एप्पल के सिस्टम पे ही काम करते हैं, मैक में ही काम करते हैं। अदर एंड्रॉयड पे या विंडोज़ पे कनेक्ट करना तो बहुत आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, वो चलते नहीं है। ये क्या है, किसी भी ब्रांड में ये चल जाता है, साइज भी कॉम्पैक्ट है, सारे प्रो फीचर्स भी यहाँ पे मिलते हैं, प्राइस आपके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है, तो ये वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपके पास M4 है तो डेफिनेटली आप स्विच कर सकते हैं बिकॉज काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज किया गया है। तो सीरियसली एक ट्रू क्वालिटी एक्सपीरियंस चाहते हैं तो सोनी के इसमें ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बिकॉज प्राइस इतना पे कर रहे हैं तो सारे फीचर्स आपको प्रीमियम मिलने ही वाले हैं।